हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पप्पू करियर गाइड, कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड्स। तो फ्रेंड ये भी वीडियो जो है आप लोग के लिए वन ऑफ द बेस्ट वीडियो साबित होने वाला है। ये वीडियो आप लोग इन तक जरूर देखना फ्रेंड। अगर आप लोग भी जो है इन्फोसिस में कभी ना कभी सिस्टम इंजीनियर या फिर ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव या फिर किसी अदर रोल के लिए अप्लाई किए हो, तो यहाँ पर आप मैं बताऊंगा अप्लाई करने के बाद का आपका क्या होता है प्रोसेस, कैसे आप लोग अपने स्टेटस को चेकआउट कर सकते हो, कैसे पता चल सकता है फ्रेंड आप लोगों को कि आप लोग का अब स्टेटस जो है वो क्या है। एग्जाम अप्लाई करने के बाद काफ़ी लोग एग्जाम कर लिंक नहीं आता, एग्जाम करने के बाद इंटरव्यू का अपडेट नहीं आता, इंटरव्यू के बाद ऑफर, इंटरव्यू का रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट के बाद ऑफर लेटर नहीं आता, काफ़ी कुछ आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन होता ही होगा। बट यहाँ पर आप लोगों को मैं दावा करता हूँ फ्रेंड, आफ्टर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो यू आर एबल टू क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स इन वन पर्टिकुलर वीडियो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अगर प्लीज सर आप लोग वीडियो को लाइक कर ही देना फ्रेंड, क्योंकि आपके एक लाइक से क्या होता है, हम जैसे जो यूट्यूब क्रिएटर होते हैं फ्रेंड उनको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है इस तरह के वीडियोज को आप लोगों के लिए बनाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड करते इस वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर दो अपडेट को बात करेंगे, पहला आपका स्टेटस मीनिंग के बारे में क्या होता है, और दूसरा आपका जो है इन्फोसिस विल नॉट रिसीड्यूल एनी इंटरव्यू, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो भी बात करेंगे इसमें। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड स्टेटस को लेकर। तो सर स्टेटस कहाँ चेक करते हैं हम लोग, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है। तो मैं आप लोग को देता हूँ लिंक, तो ये जो लिंक है आप लोग को मिल जाएगा मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर, या फिर आप लोग जो है गूगल पर भी सर्च कर सकते हो आप फ्रेंड career.infosys.com। जैसे आप अगर जाते हो लॉगिन करते हो आपके सामने आ जाएगा जॉब्स, माय एप्लीकेशन पे जाना है। आपने अभी तक जितने भी प्रोफाइल के लिए अप्लाई करा होगा आपको वहाँ शो करेगा। काफ़ी लोग पूछते हैं सर मैंने तो काफ़ी बार अप्लाई किया बट मेरा तो एक भी बार शो नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? देखो इन्फोसिस जो है काफ़ी बार रिक्रूटमेंट करती है, काफ़ी बार जो होती है वो जो आप लोग जब अप्लाई करते हो, आप लोग को पता हो फ्रेंड इन्फोसिस जो हायरिंग करती है एक सर्वे मेल के थ्रू से हायरिंग करती है, तो काफ़ी बार क्या होता है पोर्टल पर अपडेट होने में डिले हो जाता है और काफ़ी बार बहुत सारे लोगों का जो है अपडेट नहीं हो पाता है। इस कारण से काफ़ी लोगों के जो है आपके डैशबोर्ड में career.infosys.com के डैशबोर्ड में आपको शो नहीं करेगा, क्योंकि काफ़ी बार अपडेट होना मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता अपडेट, क्योंकि काफ़ी बार लोग अप्लाई करते हैं, काफ़ी यहाँ पर ज़्यादा रिक्रूटमेंट होती है, तो वहाँ पर आप लोग को प्रॉपर अपडेट नहीं मिल पाता है। अब सर नहीं शो कर रहा तब क्या करें? तब आप लोग जो है वेट ही कर सकते हो, उसके बाद आप लोग जो है इन टैलेंट एक्विजिशन टीम को मेल भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं स्टेटस को चेकआउट करने के लिए, स्टेटस क्या आपका स्टेटस बोलता है। तो अगर आप लोग का फिर इंटरव्यू होता है तो आप लोग जाके चेकआउट करना। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनका कोई मेल तो नहीं आया बट जब वो लोग लॉगिन किए थे अपने career.infosys.com के साइट पर, आप लोग को फिर यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। इसे आप लोग मोबाइल के वेब ब्राउजर से भी कर सकते हो और अपने लैपटॉप से भी कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पर आपको दिखेगा टू बी इंटरव्यूड, मतलब आपका भी इंटरव्यू होने वाला है, ओके। और यहाँ पर आपको दिखेगा फ्रेंड आपका जो है SC ऑफ कैंपस रिक्वायरमेंट 22, आपने जिस दिन अप्लाई करा था 15 मई आपको देखने मिल रहा होगा, मैसूर लोकेशन पर रहता है ये। तो जिनका अप्लाइड ग्रीन टिक आता है, ठीक है, बट आफ्टर अप्लाइड इफ यू डन विथ योर इंटरव्यू इफ यू आर शोइंग अ येलो एंड रिव्यू इन प्रोग्रेस एंड आफ्टर येलो इफ यू आर गेटिंग इन ग्रीन इट्स मीन यू आर 110% सिलेक्टेड, बट इफ यू आर गेटिंग अ रिव्यू इन प्रोग्रेस इन ऑरेंज इट्स मीन यूर 95% चांसेस आर देयर फॉर गेटिंग अ सिलेक्टेड, ओके। एंड इफ यू डन विथ एंड इफ योर स्टेटस अपडेट कलर फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन इट्स मीन यू आर सिलेक्टेड एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, ओके। सी वाट आर द स्टेटस सेज, ओके, सो आई एम जस्ट बैकवर्ड माई पेजेस, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गेटिंग अ एप्लीकेशन एक्नोलेज्ड, ओके, देन यू आर गोइंग टू गेट अ अप्लाइड इन अ ग्रीन टिक, ओके। सो ग्रीन टिक मीन्स यू डन विद दैट एंड ऑरेंज इट्स स्टिल इन प्रोग्रेस, ओके, एंड रिव्यू इन प्रोग्रेस इन येलो, ओके। हियर कैन सी, जैसा कि आपको यहाँ पर येलो दिख रहा होगा, रिव्यू इन प्रोग्रेस ग्रीन, तो आफ्टर ऑरेंज अगर ये ग्रीन होता है मीन्स आप लोग जो है सिलेक्टेड हो, तो यहाँ पर आप लोग मेल का वेट कर सकते हो, आ ही जाएगा। अब ये जो स्टेटस अपडेट होता है ना, मेल के आने के 1 घंटे पहले भी हो सकता है, कुछ देर बाद भी हो सकता है, या फिर दोनों ही साथ में हो सकता है, तो यहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब जिन लोगों को नहीं शो कर रहे उन लोगों में मैंने पहले ही बता दिया फ्रेंड, आप लोग जो है मेल कर सकते हो talent.acquisition@infosys.com पे, ओके। तो यहाँ पर एक और बड़ी बात हम डिस्कस करते हैं, हम लोग इन्फोसिस विल नॉट रिसीड्यूल एनी इंटरव्यू। मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड, एक बंदे का ये मेल आया था, ठीक है, आप लोग ये मेल नोट डाउन कर लेना, जिनका जो है पोर्टल पे मतलब डैशबोर्ड पे जो है कोई भी एप्लीकेशन सोर्स नहीं हो रहा है, ओके। लेकिन आप लोग एक काम और कर सकते हो, बिफोर राइटिंग टू दिस पर्टिकुलर ईमेल आईडी फॉर योर क्वेरीज जस्ट क्लियर योर ब्राउजर कुकीज एंड कैसे एंड जस्ट लॉग इन अगेन विथ योर
ID in career.info.com and check once again. If you're again not getting any applied status or anything, just try to mail to the given email ID. As you can see, please make yourself available for the time of your scheduled date and time. If you miss the interview, we will not able to move ahead with your application. Once the interview round is over, interviewed will be qualified candidate will be shared with their respective placement officers. So, बता दो फ्रेंड, अगर आप लोग पास आउट ग्रेजुएट हो चुके हो तो आप लोग को 3 से 4 दिन के अंदर में है जो है रिजल्ट वगैरह आपके पास आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी जल्द, पहले तो 12 से 15 दिन का वर्किंग डेज लगता था फ्रॉम द ऑफिशियल इन्फोसिस टीम, बट यहाँ पर जो है 3 से 4 दिन के अंदर में जो है आप लोगों को अपडेट जो है देखने को मिलने वाला है। तो काफी अच्छी बात है, यहाँ पर काफी जल्दी जो है ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर रही है। रीजन क्या है सर, इतना जल्दी रिजल्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि जून फेज का जो है, जैसा मैंने आपको कल वाले वीडियो में कहा था, काफी जल्दी जो है यहाँ पर जून फेज का भी जो है रिक्वायरमेंट आने वाला है, इसलिए वो जो है प्रीवियस बैच का जो है काफी जल्द जो है रिक्वायरमेंट क्लोज करना चाहती है, क्योंकि इन्फोसिस के पास और भी कैंडिडेट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। खैर जो भी हो, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया फ्रेंड। तो यहाँ पर आप लोग इंटरव्यू को बिल्कुल भी मिस मत करना फ्रेंड, जो भी आपका टाइम दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ, जस्ट ट्राई टू ज्वाइन विद अ पर्टिकुलर टाइम। एंड इफ यू आर ज्वाइनिंग द इंटरव्यू बट इंटरव्यू नॉट टेकन योर इंटरव्यू, इन दिस केस आप लोग एक मेल लिख सकते हो, उसके बाद आप लोग उनके पर छोड़ देना, वो आप लोग का रिसीड्यूल करेंगे नहीं करेंगे ये उनके पर डिपेंड करता है। चाहे आप कितना भी मेल लिख दो, जब उनका माइंड में नहीं होगा कि आपका इंटरव्यू लेंगे तो नहीं लेंगे कभी जिंदगी में भी। मैंने ऐसे लोगों को देखा जो 15 से 100 बार मेल कर चुके हैं बट उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, अभी वो बंदा जो है माइंडट्री में जॉब कर रहा है। तो आप लोग मूव ऑन हो जाना, अगर आप लोग कहीं से इज्जत ना मिले तो वहाँ उस जगह को छोड़ देना चाहिए, है ना, बार बार एक जगह पर ट्राई नहीं करना चाहिए। सो आई थिंक आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ आप लोग लाइक करके ही जाना, और चैनल पर नया आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही देना। यहाँ तक वीडियो देख लिए हो तो अगर कुछ डाउट्स है तो आप लोग डन इन्फोसिस या फिर ओके सर लिख के आप लोग कमेंट करना, तभी मैं आप लोग को रिप्लाई करने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव मैंने ट्राई करा बनाने का। और तो मिलते हैं आपको इस वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।